तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप एक नया वाईफाई कनेक्शन लगवाना चाहते हैं अपने घर में, और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे जियो का यहाँ पे हमको मिलता है बैकअप प्लान, और एयरटेल का भी एक सिमिलर सा प्लान हमको मिलता है जो है एयरटेल प्लान लाइट। तो यहाँ पे बताऊंगा दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा यहाँ पे इंटरनेट के लिए, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम वाईफाई यूज़र हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कौन सा वाईफाई आपके लिए बेस्ट होगा, एयरटेल का बैकअप प्लान वाला या फिर यहाँ पे जो जियो का बैकअप प्लान वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग को अच्छी स्पीड चाहिए कम से कम पैसों में। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे इस प्लान्स के बारे में और कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग एयरटेल से शुरुआत करेंगे। तो एयरटेल में बात की जाती है, एयरटेल में हमको जो प्लान का नाम मिलता है वो है एयरटेल ब्रॉडबैंड लाइट। ये जो प्लान है ना ही प्रीपेड में आता है ना ही पोस्ट पेड में आता है, ये प्लान ब्रॉडबैंड के एक न्यू एक सेक्शन मिलेगा आपको एयरटेल के वेबसाइट पर, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें इस प्लान की, तो ये है 219 रुपये का प्लान, और इसके साथ साथ 199 रुपये का भी यहाँ पर प्लान मिलता है इसमें। तो ये प्लान में आपको यहाँ पे मिलेगी 10 Mbps की स्पीड, लेकिन देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि 10 Mbps की स्पीड मिलेगी लेकिन ये डबल मिलेगी आपको, यानी कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो एयरटेल ब्रॉडबैंड लाइट यूज़ कर रहे हैं अभी, उनको यहाँ पे जो 10 Mbps के प्लान जितने भी लोगों ने लिया है उनको यहाँ पे स्पीड ज़्यादा मिल रही है, यानी कि 10 Mbps के प्लान में यहाँ पे 20 Mbps का हमको प्लान मिलने वाली है, यानी कि 10 Mbps आप कनेक्शन लोगे लेकिन आपको स्पीड मिलेगी 20 Mbps की, ऑलमोस्ट डबल, यानी कि ये अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना का प्लान लिए उससे ज़्यादा स्पीड्स मिल रही है, काफ़ी अच्छा है एयरटेल की तरफ से, इतने अच्छे स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पे बात की, इसमें आप एडिशनल कोई भी यहाँ पे स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे अगर आप कोई भी रिचार्ज करके स्पीड को इंक्रीज़ करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते इसमें। तो यहाँ पे जो स्पीड मिलती है वो बस आपको 10 से 20 Mbps के बीच में ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आप करवा नहीं सकते। और बात कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉलेशन करवाते हो अपने घर के अंदर, तो यहाँ पे ग्लिच मिलती है इनकी तरफ से, जो है 200 से 300 Mbps की स्पीड चले जाती है कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए 200 से 300 Mbps की स्पीड मिलेगी आपको, फिर से वो कम करके 10 से 20 Mbps के पास कर दिया जाएगा। एयरटेल का प्लान है ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और आई थिंक यहाँ पे जियो को काफ़ी अच्छा टक्कर भी दे रहा है। अब बात की जाए जियो की, तो जियो का 198 का बैकअप प्लान मिलता है हमें सेम 10 Mbps स्पीड के साथ, और यहाँ पे हमको सब कुछ यहाँ पे कॉल सब कुछ यहाँ पे फ्री मिलता है, दोनों में कॉल्स हमको फ्री मिलता है, एयरटेल और जियो में दोनों में हम लोग कॉल फ्री कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमको एक फ़ोन लेना पड़ेगा, एक अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, पुराने ज़माने वाले फ़ोन जो आते थे टेलीफोन यहाँ पे हाथ में पकड़ के बात करते हो जो होते ना वायर वाले, वो आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और दोनों में यहाँ पे फ्री कॉल्स मिलेंगे, और साथ साथ जो जियो में 10 Mbps का स्पीड है ना वो बस आपको 10 Mbps ही मिलेगा, यानी कि जियो का ये है कि अगर आप 100 Mbps 200 Mbps की स्पीड लेते हो तो स्पीड आपको बस उतनी ही मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। और एयरटेल में यहाँ पे 10 Mbps का ले लो तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा, 100 Mbps का लेगा तो 200 तक भी चार्ज चल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एयरटेल इसमें काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बात कीजिए कनेक्शन स्पीड की, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही रहने वाला है, इसमें स्पीड भी आप इंक्रीज़ करवा सकते हो। जियो में ये है कि स्पीड हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि जियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अपना स्पीड खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 30 Mbps करना है तो आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा करवाना है तो काफ़ी सारे प्लान्स इनके पास अवेलेबल है, स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो इनके बैकअप प्लान में। और वही एयरटेल का ब्रॉडबैंड लाइट वाला प्लान है उसमें आप नहीं कर सकते स्पीड इंक्रीज़, जितना का स्पीड है उतना ही मिलेगा आपका, और उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात की जाए अगर आपको कोई एक बेस्ट फाइबर कनेक्शन चाहिए अभी के टाइम पे, अगर आप न्यू यूज़र हो जो वाईफाई लेना चाहते हो, तो मैं बता दूँ आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा एयरटेल का ब्रॉडबैंड लाइट वाला। ये इसलिए कि इसमें हमको स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि 10 Mbps का स्पीड को डबल करके तो 20 Mbps दे रहे हैं, और ये ग्लिची है उनके तरफ से लेकिन फिर भी हमको अच्छा स्पीड मिल रही है। और साथ साथ जो जियो की बात की जाती है, इनकी जो स्पीड है ना वो कभी कभी कम भी हो जाती है, यानी कि 10 Mbps का प्लान है फिर भी आपको 5 Mbps मिलेगा, ऐसा इसमें ग्लिच काफ़ी सारे होते रहते हैं। तो आई थिंक इसके लिए एयरटेल बेस्ट रहेगा आपके लिए, एयरटेल का जो आप बैकअप प्लान वाला ले सकते हो आप अपने घर के कनेक्शन के लिए, और अपने जो भी घर है ना उसको आप आराम से वाईफाई वाले हॉटस्पॉट में बना सकते हो, यानी कि एयरटेल का जो फाइबर है ना वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी वीडियो जहाँ पे मैंने कंपेयर किया एयरटेल फाइबर वर्सेस यहाँ पे जियो का फाइबर को, जो बैकअप प्लान है दोनों को उनको मैंने कंपेयर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।